Hello students, welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss about the chemistry in everyday life part 3, and today we will discuss about the type of drugs. Yesterday I told you about drugs and medicines, and today we will discuss about the types of drug. How many type of drugs are there? देखो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था कि ड्रग्स होते क्या हैं. जो ड्रग है वो फ्रेंच का वर्ड है जो ड्रॉग से निकला है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब, यानी कि आयुर्वेदिक सूखी दवाइयाँ जो आयुर्वेद में यूज़ होते हैं ना वो. तो आज हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं. अब देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है जो ड्रग एक बीमारी पे काम आता है वो सारी बीमारियों पे काम आता है. अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एक न्यू बीमारी आई हुई है कोरोना वायरस की, तो उसके अंदर देखो क्लोरोक्विन दवाई यूज़ कर रहे हैं जो कि मलेरिया से रिलेटेड है, और कुछ दवाइयाँ उसके अंदर BCG एटसेट्रा जो कि दूसरी बीमारियाँ हैं उनसे मिलके बनी है. तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है. उसका यही कारण है कि इसके लिए तीनों में जो साल्ट कॉमन हो वो साल्ट नहीं अभी मिल पाया. तो देखिए, हर मेडिसिन का जो साल्ट होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके टाइप से हम पढ़ेंगे. देखो, सबसे पहले हमारी आती है मेडिसिन एंटासिड. देखो बेटा, एंटासिड कहाँ काम आती है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस यूज टू रिमूव एक्सेस एसिड एंड रेज द pH टू अप्रिशिएट लेवल इन स्टमक, एग्जाम्पल वीक बेसिस. देखो स्टूडेंट, जो एंटासिड्स होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, एंटासिड कहाँ क्यों यूज़ करते हैं? देखो, आपके पेट में जलन हो जाती है, कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं, एसिड बन जाता है, पेट के अंदर जलन शुरू हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ खाने की कैपेसिटी नहीं रहती. तो उस टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी में, आपके पेट में जो है एसिड बन जाता है, ठीक है. तो उस एसिड को रिमूव करता है एंटासिड, ठीक है. इसके अंदर आपको जिस साल्ट की, मैं दवाई का डायरेक्ट नाम नहीं बता रही, जिस साल्ट की टैबलेट खाते हो आप, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट. सेकंड है हमारे पास एंटी हिस्टामाइन, जिसके बारे में हमने कल भी स्टडी की थी. दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच डिमिस द मेन एक्शन टू हिस्टामाइन रिलीज इन द बॉडी एंड हैंस इट प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है. तो जो आपके हिस्टामाइन होता है वो जो है ना, वो वायरस है एलर्जी वगैरह के लिए. जैसे आपकी बॉडी में जैसे कुछ जल जाता है ना, तो इन्फेक्शन हो जाता है, ऊपर एलर्जी हो जाती है, जैसे हाथ पे खारिश कर दी या कुछ भी, तो वो एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी पे, ठीक है. तो वहाँ पर जो एंटी हिस्टामाइन है वो काम करता है, और इसके लिए सिट्राजीन है, सबसे बढ़िया बेस्ट दवाई है सिट्राजीन, ठीक है. इससे क्या होती है, आपकी एलर्जी वगैरह रिमूव हो जाती है. अगेन, न्यूट्रोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, इसके अंदर देखो ये क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर. जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन्स के, जो हमने कल स्टडी किया था, वहाँ पर मैसेज ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं. अब इसके अंदर देखो दो टाइप के ड्रग्स पढ़ेंगे, आगे उसके टाइप हैं. तो सबसे पहले आते हैं ट्रैंक्वलाइजर. ट्रैंक्वलाइजर क्या होते हैं, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस. जैसे हमें कई बार स्ट्रेस होता है, मेंटलिटी में दिक्कत होती है, हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारी माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस सा हो जाता है, ऐसा लगता है कि माइंड बिल्कुल ख़राब हो गया, मेंटली टेंशन हो जाती है बॉडी माइंड के अंदर, ठीक है. तो उस टाइम ये ट्रैंक्वलाइजर लिया जाता है जो आपकी टेंशन को रिमूव करता है, और इसका एग्जाम्पल है इक्वेनेल. और देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसके बाद आपको NCERT पढ़नी है. NCERT में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने हैं आपको, ठीक है. उनको लर्न भी करना है, क्योंकि पेपर में आपसे कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं. मान लो कि आपको ये तो बहुत मेन एग्जाम्पल है, जो ये इक्वेनेल है ना, ये इक्वेनेल बहुत बहुत मेन एग्जाम्पल है, ठीक है. ये मेन एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि ये पेपर में ना बार बार पूछा जाता है इक्वेनेल कहाँ किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस मेडिसिन में काम आता है, तो आपने बोलना है ट्रैंक्वलाइजर में. नेक्स्ट आती है स्टूडेंट एनालैजिक्स. दीज आर यूज ऑफ रिलीफ पेन. देखो ये पेन रिलीफ दवाई है विदाउट डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर ऑफ द नर्व सिस्टम. आपके नर्व सिस्टम को बिना हानि पहुंचाए ये जो एनालैजिक्स है आपकी बॉडी में पेन को कंट्रोल करते हैं. लेकिन ध्यान रहे, ये दो टाइप के होते हैं,
एक नॉन नारकोटिक और एक नारकोटिक। तो देखो जो नॉन नारकोटिक होते हैं ना, ये नॉन एडिक्टिव होते हैं। नॉन एडिक्टिव मतलब जैसे हम डेली लाइफ में वैसे ही खा लेते हैं, जैसे मान लो थकावट सी लगी बॉडी में तो हम एस्प्रिन ले लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं, क्योंकि ये ना स्लीप प्रोड्यूस नहीं करवाते। जैसे हम इसको खाते हैं ना, इस दवाई को, तो हमें नींद नहीं आती, यानी नशा सा नहीं होता। लेकिन जो आपके नारकोटिक होते हैं ना, नारकोटिक, ये इतने स्ट्रॉन्ग डोज होते हैं, इसका छोटा सा अमाउंट लेते हैं तो हमें क्या होता है, मतलब कि छोटा सा बिल्कुल चुटकी जितना साल्ट होता है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत बड़ी पेन से भी रिलीफ दिलवा देते हैं। लेकिन इसका जब लार्ज डोज ले लें हम, तो ये कोमा में चला जाता है इंसान ज़्यादा डोज लेने से, ठीक है। और कई बार तो डेथ भी हो जाती है इंसान की, जैसे नींद की गोली ज़्यादा खा ली, ठीक है, उसके बाद उठते ही नहीं इंसान, क्यों, कोमा भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा आपका डेंजरस साल्ट होता है, ये एडिक्टिव होता है। अगर कोई इसको यूज़ कर ले, खाना शुरू कर दे, तो उसकी आदत बन जाती है। देखा होगा आपने, कुछ लोग नींद की गोली लेते हैं तो उसमें उसको आदत बन जाती है नींद की गोली खाने की। नेक्स्ट आता है आपका एंटी माइक्रोबायल्स। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस यूज टू क्योर इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गनिज्म से आपके एंटीबैक्टीरियल जो पैदा होते हैं, उनको, उन केमिकल सब्सटेंस के इन्फेक्शन के को ख़त्म करता है ये, ठीक है। जैसे आपको माइक्रो ऑर्गनिज्म, जैसे मकड़ी वगैरह ने कई बार ऐसे टच कर जाती है, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, जीवित कीटाणु से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है, जो आप सभी जानते होंगे, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ। तो देखो एंटीबायोटिक का क्या मतलब है, जो भी जैविक ऑर्गन्स हैं या जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गनिज्म की, वो उसको वहीं रोक देता है, ये जो एंटीबायोटिक है ना, उसको वहीं रोक देता है, माइक्रो ऑर्गनिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर देता है जड़ से। द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गनिज्म दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय द अदर माइक्रो ऑर्गनिज्म, उसकी ग्रोथ को वहीं रोक देता है, और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गनिज्म होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय, ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। पेंसिलिन इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं आपके एंटी आएगा बेटा, ये ANT, एंटीसेप्टिक, जो आपने सुना होगा, दीज आर यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म एंड कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू होते हैं, जो जैविक कारक होते हैं, जैसे मान लो कि कहीं किसी को चोट लग जाती है तो उसके अंदर हल्के फुल्के कीटाणु से आ जाते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं जो, तो उसको ख़त्म करता है कौन, डिटोल और आयोडोफॉर्म, ये इसके एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है आपकी NCERT बुक में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके डिसइंफेक्टेंट्स। दीज आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गनिज्म बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। देखो ये लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे ये भी किल करते हैं माइक्रो ऑर्गनिज्म्स को। इसके अंदर क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, सिर्फ 0.1% फिनोल ही होती है इसके अंदर बेटा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिसइंफेक्टेंट्स के, जैसे डिटोल, सेवलोन, बेथनोल, आयोडीन, बोरिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में हम यूनिट खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आती है आपकी जो ड्रग आती है वो है जर्मिसाइड्स। दीज आर यूज टू किल जर्म्स, फंजाई एंड वर्यस, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फिनोल, क्रोसोल। देखो जो जर्म्स वगैरह होते हैं आपके हाथ में, कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, उसको ये ख़त्म करते हैं। मोस्टली ये सोप्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। दीज आर यूज टू लोअर द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी लाइक पैरासीटामोल। जैसे पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं तो ये बॉडी का टेम्परेचर ख़त्म कर देती है, बुखार वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको। आगे है एंटी डिप्रेसेंट। दिस एक्ट ऑन दी सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ वेल बींग टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशियंसी ऑफ अ पर्सन इन अ डिप्रेस मोड। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है तो उस मोड के लिए, ठीक है, ज़्यादा काम करने के बाद डिप्रेशन सा आ जाता है माइंड के ऊपर, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये सारे के सारे ड्रग्स पढ़ लिए कि ड्रग्स के क्या टाइप्स हैं। एक बार मैं पोज कर देती हूँ तीनों पेजेस पे, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। फ्रेंड्स कल हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।